वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। आज मैं आपके सामने फिजिक्स 11th के सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा और एग्जाम में किस चैप्टर का कितना वेटेज है इस पर भी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ पहले चैप्टर को भी क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स 11th एज पर एनसीईआरटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 एक नंबर का है। इस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। इसमें फिजिक्स के सभी नियमों को अध्ययन की करेंगे, किस वैज्ञानिक ने इसमें कौन कौन से नियम प्रस्तुत किए हैं उनके नियमों को शॉर्ट तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 पेपर में एक नंबर का आता है। इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2 का नाम मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और मापन का अध्ययन करेंगे, जैसे चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल क्या है? भौतिक राशि, ठीक। और उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी हो इस आधार पर हम इसका अध्ययन विस्तार से करने वाले हैं, वह चैप्टर नंबर 2 होगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3, वो 3 नंबर का है, उसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें सरल रेखा में गति से संबंधित जितनी भी बातें हैं सब इसी में तो अध्ययन करेंगे हम। जैसे एक सड़क पर सरल रेखा में बस, ट्रक, टैक्सी, जो भी आपके सामने वस्तु गतिमान दिखाई देती हैं उन सभी बातों का अध्ययन सरल रेखा में गति के अंतर्गत हम करेंगे। इसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंग्रेजी में कहते हैं। चैप्टर नंबर 4, ये 3 नंबर का होता है, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। इसमें 2 डायमेंशनल मोशन का हम अध्ययन करेंगे, जैसे प्रक्षेप गति का परवलयकार होता है या एक समान वृत्ति गति। इन सभी बातों का अध्ययन समतल में गति के अंतर्गत हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद गति के नियमों का अध्ययन करने के लिए चैप्टर नंबर 5 है, जो पेपर में 7 नंबर का आता है। चैप्टर का नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के जितने भी नियम हैं, गति के नियम नंबर 1, गति के नियम नंबर 2 और गति के नियम नंबर 3, तीनों नियमों का अध्ययन विस्तार से चैप्टर नंबर 5 में हम करने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो कि 7 नंबर का है, उस चैप्टर का नाम क्या है? कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, 7 नंबर का आता है। चैप्टर नंबर 7 जो कि 7 नंबर का है, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम कौन किन किन बातों का अध्ययन करेंगे? कैपलर के नियमों का अध्ययन करेंगे, ठीक। इसके बाद में हम पार्ट सेकंड की शुरुआत करेंगे। जो भी वीडियो एक एक के बाद एक आती जाएंगी, इसके बाद पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर 9 होगा, जो कि 2 नंबर का है, ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक। चैप्टर नंबर 10 4 नंबर का है, सरल तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। चैप्टर नंबर 11 4 नंबर का है, द्रव्य के तापीय गुण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 12 जो कि 9 नंबर का है, ये बहुत अच्छा अंक स्कोर करता है, ऊष्मा गतिकी नाम है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों को हम इसी जगह पर अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो कि 6 नंबर का है, अणुगति सिद्धांत, इस चैप्टर का नाम है, काइनेटिक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, अंग्रेजी में काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो कि 5 नंबर का है, वह दोलन है, अंग्रेजी में इसको ओसिलेशंस कहते हैं। चैप्टर नंबर 15 तरंगे हैं, इसको अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं। अब बात आती है सामने चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में, ये देखिए
इस दोनों का एक नाम हम देते हैं, वो ये चीज़ देखने योग्य बात है, सरल रेखा में गति और समतल में गति। इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, के आई एन ई एम ए टी आई सी एस, काइनेमेटिक्स के नाम से हम जानते हैं। शुद्ध गतिकी इसका नाम है हिंदी में। अब आप चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, इन तीनों का एक नाम हम देते हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव्य के तापीय गुण, इन्हें एक नाम किस नाम से हम जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। देखिए लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में ये चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 आता है। चलिए ये चैप्टर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, ये दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, फिजिकल प्लस वर्ल्ड। फिजिकल मीन्स फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और वर्ल्ड इसकी दुनिया क्या है वो इसमें शामिल है। इसका डेफिनेशन क्या है भौतिकी की, वैज्ञानिक परिभाषा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें किन किन बातों का अध्ययन हम करेंगे, फिजिक्स में ऊर्जा, द्रव्यमान, उसकी जितनी क्रियाएं होती हैं वो सभी एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन सभी बातों का अध्ययन जिस चैप्टर में हम करने वाले हैं या करते हैं या देखते हैं वही तो है। इस चैप्टर का नाम क्या है, भौतिक जगत, यही भौतिक जगत। इसमें एक नंबर का पेपर में आता है ये कोई, और इसी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो सब इन सभी चैप्टरों को मिला करके जो वर्ड तैयार हुआ वो उसी को कहते हैं फिजिकल वर्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।